आप इसके अंदर 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने पे जो इंटरेस्ट आपने गेन किया वो होगा 89,000। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। जी दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा कि 5 साल में आपको मिलेंगे 29 लाख रुपए, वो तो हम जानेंगे कैसे मिलेंगे आपको 29 लाख रुपए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, आज के इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि NSE क्या है, NSE किस तरीके से काम करता है, विशेषताएं क्या रहती हैं, आयकर का इनकम टैक्स जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, खाता कौन लोग खोल सकते हैं और किस तरीके से जमा करा सकते हैं आप अपने पैसे को, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट क्या है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इसको खोल सकते हैं और क्या ब्याज दरें रहने वाली हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि NSE क्या है। NSE बचत प्रमाण पत्र है। NSE एक बचत योजना प्रमाण पत्र है जिसे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों वैसे तो कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक भी आपको NSE ऑफर करते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो पोस्ट ऑफिस से भी NSE सेविंग सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। NSE किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषता ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक सुरक्षित निवेश विकल्प आपके लिए हो जाता है। गारंटी रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कम से कम 1,000 रुपये से आप इसके अंदर अपने खाते को खोल सकते हैं और ये आपको मदद करता है, एक बढ़ावा देता है बचत योजनाओं के अंदर पैसे को निवेश करने का और एक आदत बनाने का। खाता कौन लोग खोल सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का खाता कौन लोग खोल सकते हैं, खुद के लिए जिसकी कोई भी मेल या फीमेल जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, या एक नाबालिग जो 10 वर्ष की आयु तक पहुँच चुका है, या फिर अधिकतम 3 वयस्कों के साथ में मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। अगर आप 2 जने मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। खाता कैसे खोल सकते हैं, NSE प्रमाण पत्र नगद या चेक द्वारा खरीदा जा सकता है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, या तो कैश डिपॉजिट करा सकते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट करा सकते हैं। चेक के मामले में जब चेक की प्राप्ति हो जाएगी, चेक क्लियर जब हो जाएगा, उस समय आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। जमा सीमाओं की अगर बात करें तो न्यूनतम 1,000 रुपये से, यानी कम से कम 1,000 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है, कितना भी आप पैसा इसके अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं और ये पैसा आपका 100 रुपीज के मल्टीपल में होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 1100, 1200, 1300, 1400 आदि आप पैसे इसके अंदर जमा करा सकते हैं। प्रमाण पत्र के नुकसान की अगर बात करें कि प्रमाण पत्र का नुकसान, या प्रमाण पत्र अगर कभी आपका ऐसा खो जाता है, NSE जो सर्टिफिकेट अगर आपका खो जाता है तो उस केस में क्या होगा। यदि आपने NSE सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2016 से पहले खरीदे हैं तो उस केस में आप डुप्लीकेट प्रमाण पत्र ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं उसके लिए, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सर्टिफिकेट आप उसके बाद खरीदे, यानी 1 जुलाई 2016 के बाद खरीदे हैं, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट की जगह पे पासबुक मिलती है, पासबुक मिलेगी और उस पासबुक में पुराने खोए सर्टिफिकेट्स के नंबर होंगे जिससे आप उनको इनकैश करा सकते हैं जब कभी भी आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। प्रीमेच्योर क्लोजर, देखिए प्रीमेच्योर क्लोजर होता तो है लेकिन मैं डिस्कस नहीं करता। प्रीमेच्योर क्लोजर से कई सारे बेनिफिट आपको नहीं मिल पाते, लेकिन अगर आप परिपक्वता अवधि से पहले यानी मैच्योरिटी से पहले
हो जाएगी 7,24,517 रुपए की। ठीक इसी तरीके से अगर आप 10 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट करते हैं तो 4 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 5 सालों के अंदर 4,49,903 रुपए का, और जो मैच्योरिटी होगी आपकी वो होगी 14,49,903 रुपए की। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर बात करें, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी मेंशन किया है कि अगर आप इसके अंदर 20 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट आपको मिलता है तकरीबन 8,98,903 रुपए का, और टोटल मैच्योरिटी जो आपकी होती है वो 28,98,903 रुपए की। इसी तरीके से आप अपनी अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है कैलकुलेटर का, उस वाली लिंक पे जाकर के आप क्लिक करके भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।